Now, coming to the next question, which is 11th. Right? Question is, using the remainder theorem, question number is 11. Using the remainder theorem, find the remainder remainder when fx is divided by gx, मतलब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड देंगे और हमें चेक करना है कि क्या रिमाइंडर होगा. द क्वेश्चन इज, फर्स्ट इज fx इक्वल टू 4x4 माइनस 3x3 माइनस 2x2 प्लस x माइनस 7 एंड gx मीन्स अनदर पॉलिनोमियल इज x माइनस 1, राइट. सो क्वेश्चन कहा है कि इन दो पॉलिनोमियल को आपस में अगर डिवाइड किया जाए तो व्हेन व्हाट विल बी द रिमाइंडर. हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है x माइनस 1, मीन्स यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जीरोस दिए हैं तो उसे हम फैक्टर फॉर्म में बना सकते हैं, एंड फैक्टर फॉर्म में दिया है तो हम इसे जीरोस के फॉर्म में बना सकते हैं. तो x की वैल्यू कितनी आई है 1, वो हम इस क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे तो रिमाइंडर पता चल जाएगा. f ऑफ 1 इक्वल टू 4, 1 टू द पावर 4 माइनस 3 ऑफ 1 टू द पावर 3 प्लस 1 माइनस 7, राइट. इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 7. प्लस की हमारे पास वैल्यूज हैं 4 एंड 1, एंड दिस इज, सो माइनस 7 इज द रिमाइंडर. व्हाट इज आवर रिमाइंडर? माइनस 7 इज आवर रिमाइंडर. इससे क्या प्रूफ हुआ कि इस पॉलिनोमियल को अगर इससे डिवाइड दे रहे हैं एंड रिमाइंडर जो है माइनस 7 है, मीन्स दिस इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और 1 इज नॉट रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल. रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि अगर हम वैल्यू जो पुट कर रहे हैं पॉलिनोमियल में, उस वैल्यू को पुट करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तभी वो रूट ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा, एल्स नहीं. तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है, मीन्स अगर पूछा जाए, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि ये रूट है या नहीं, बट अगर हमें इस क्वेश्चन में साथ में ये भी पूछा जाए कि चेक वेदर x इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट, सो 1 इज नॉट द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है. इसी क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन है, fx इक्वल्स टू 2x-1. इसे अगर हम इससे डिवाइड दे रहे हैं तो अगेन वही प्रोसीजर, 2x-1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू हाफ. एट x इक्वल टू हाफ हम ये देखेंगे कि क्या रिमाइंडर बचता है या नहीं बचता है. जो रिमाइंडर बचता है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर होगा. तो इन प्लेस ऑफ x आई विल पुट हाफ, 4 1/2³ माइनस 12 1/2² प्लस 14 1/2 माइनस 3, राइट. 4 द क्यूब ऑफ 1/2 इज 1/8, ठीक है.
वन बाय टू का क्यूब जो होता है 1/8 होता है, 12, द स्क्वेयर ऑफ 1/2 इज 1/4 प्लस 14, 1/2 माइनस 3, इसे हम सॉल्व करेंगे, सो हेयर 1/2 माइनस, इसे सॉल्व करेंगे 3, इसे सॉल्व करेंगे एंड माइनस 3/1, ठीक है, एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ये 14 एंड 1 15 हो जाएगा, 15 माइनस 12 मीन्स 3/2। सो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो रिमाइंडर आया है वो क्या आया है, 3/2 मीन्स एट x इक्वल टू 1/2 द रिमाइंडर इज 3/2, यानी ये क्लियर है कि ये इसका फैक्टर और रूट और जीरो तो नहीं है, ठीक है। सो क्वेश्चन था फाइंड द रिमाइंडर, सो हमने दोनों क्वेश्चन के रिमाइंडर्स फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। नाउ वी विल कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन कर लें। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज क्लासिफाई द पॉलिनोमियल्स एज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल एक्सेट्रा। मतलब हमें क्वेश्चन में क्लासिफाई करना है कि वो वन वेरिएबल है और टू वेरिएबल है और थ्री वेरिएबल है। फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज 3 का 7th क्वेश्चन है, मीन्स वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज 3 7th क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 7y स्क्वायर। यहाँ पर हमको चेक करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है वेदर इट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल और टू वेरिएबल पॉलिनोमियल और एक्सेट्रा। सो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल क्लियरली हमें दिख रहे हैं, एक x है और एक y है, मीन्स दिस इज पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। और ये पॉलिनोमियल है ये कैसे डिसाइड होगा, बिकॉज ऑल पावर्स आर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस टू टी एक्स प्लस 7t स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टी। अगेन यहाँ पर वेरिएबल्स चेक करेंगे, यहाँ पर मुझे एक एक्स वेरिएबल दिख रहा है एंड एक टी दिख रहा है, मीन्स दिस इज ऑल्सो टू वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड सारी पावर्स जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर है। थर्ड इज टी क्यूब माइनस 3t स्क्वेयर प्लस 4t माइनस 5। नाउ यहाँ पर मुझे ओनली वन वेरिएबल दिख रहा है विच इज टी एंड द पावर ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, सो दिस इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्या है ये, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। इसी का एक और क्वेश्चन है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यहां पर हमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, एक्स वाई एंड जेड, सो इसका आंसर जो होगा दिस इज पॉलिनोमियल विथ थ्री वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल विथ थ्री वेरिएबल्स, राइट। सो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये बताना था, क्लासिफाई करना था कि ये पॉलिनोमियल जो है वन वेरिएबल है, टू है कि थ्री है, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफाई कर दी है।
एक्सरसाइज थ्री का ही आई एम टेकिंग एट्थ क्वेश्चन, ठीक है? आइडेंटिफाई क्वेश्चन नंबर है एट, आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल्स. In the following means, जो भी क्वेश्चन दिए उसमें हमें चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं, आइडेंटिफाई करना है. द फर्स्ट इज एफ एक्स इक्वल्स टू फोर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन. फ्रेंड्स, हमने पहले भी देखा, अगर हमें पॉलिनोमियल है कि नहीं यह डिसाइड करना है तो हम पावर ऑफ द वेरिएबल चेक करते हैं. इट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर और यू कैन से होल नंबर. जीरो से लेके एन तक कोई भी नंबर पावर में चलेगा. तो यहाँ पर हम पावर्स चेक करेंगे. यहाँ पर एक्स की पावर है थ्री, यहाँ पर टू, यहाँ पर वन, यहाँ है ही नहीं तो आई सेट इसको हम x टू द पावर जीरो लिख सकते हैं. तो यहाँ पर x की पावर है जीरो, वन, ऑल आर जीरो, वन टू थ्री आर पॉजिटिव इंटीजर. सो दिस इज पॉलीनोमियल. मीन्स हमारा जो आंसर होगा फर्स्ट इज अ पॉलीनोमियल. नाउ द सेकेंड इज g ऑफ x इक्वल्स टू टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस वन. ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को. यहाँ पर एक्स की पावर थ्री है, यहाँ टू है, बट यहाँ पर क्या है, रूट है. रूट इज इक्वल टू वन बाय टू. इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ. एक्स टू द पावर वन बाय टू माइनस वन. पॉलिनोमियल की कंडीशन है कि पावर जो होना चाहिए वो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए. और यहाँ पर पावर जो है हाफ है. दिस इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर. सो क्या इसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे? नो, जी एक्स इज नॉट पॉलिनोमियल. सो अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन था दिस इज पॉलिनोमियल, एंड सेकेंड जो इसका पार्ट है दिस इज not polynomial. The third one is ठीक है. अगेन पावर चेक करेंगे. यहां पर x की पावर 1 है, यहां x की पावर 0 है. ऑल पावर्स आर पॉजिटिव. सो दिस इज अगेन आर पॉलिनोमियल. आइडेंटिफाई करने को कहा है तो हम फर्स्ट को आइडेंटिफाई करेंगे एज ए पॉलिनोमियल, थर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे एज ए पॉलिनोमियल. वेरिएबल के आगे का नंबर कोई भी रियल नंबर हो सकता है. मींस वो कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, बट द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव, राइट? द फोर्थ क्वेश्चन इज ठीक है, इसको हम अरेंज करेंगे. एक्स को हम एक्स इनवर्स लिख सकते हैं, राइट? यहां पर पावर्स चेक करेंगे. हेयर पावर इज टू, हेयर पावर इज वन, बट हेयर पावर इज माइनस वन विच इज नॉट होल नंबर, ठीक है? सो इज दिस पॉलिनोमियल? नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. सो आइडेंटिफाई जब हमें करने को बोला है तो इन चार क्वेश्चंस में से हमारे फर्स्ट एंड थर्ड आइडेंटिफाई हुए हैं एज ए पॉलिनोमियल, एंड सेकेंड एंड फोर्थ इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है? अब एग्जाम्पल और लेते हैं. सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस शीट का हम थर्ड सेवेंथ क्वेश्चन ले चुके हैं, एट्थ क्वेश्चन ले चुके हैं. नाउ वी आर टेकिंग 10th and 12th, ठीक है? 10th, the 10th question is find the remainder
when polynomial is divided by x minus 1. So क्वेश्चन के हिसाब से x माइनस 1 से हमको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड देना है. मीन्स द रूट क्या होना चाहिए अगर हम इससे निकालना चाहें तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 1. 1 रूट है कि नहीं ये हमें नहीं पता है, ये रिमाइंडर बचने पे डिपेंड करेगा. अगर इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ गया तो ये रूट है, और अगर पॉलिनोमियल का आंसर 0 नहीं आया रिमाइंडर बचता है देन दिस इज नॉट रूट द पॉलिनोमियल. ठीक है, सो पुट करेंगे हम वैल्यू क्वेश्चन में. बाय पुटिंग 1 द क्वेश्चन इज 1 टू द पावर 4 प्लस 2 ऑफ 1 प्लस 5. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. 2, 5 एंड 1 आर पॉजिटिव सो द रिमाइंडर इज 5. क्वेश्चन केवल इतना था कि रिमाइंडर फाइंड करिए. सो अवर आंसर विल बी 5. एफ एक्स पॉलिनोमियल को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 5. बट इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐड कर दूं कि क्या ये इसका रूट भी है, x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का रूट है, सो अवर आंसर विल बी नो. व्हाई दिस इज नॉट रूट, बिकॉज यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है. अगर रिमाइंडर बचता है तो वो उसका रूट नहीं होता है. ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं विच इज 12th. क्वेश्चन 12th, प्रूव दैट x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. राइट गाइस, इसको सॉल्व करने के लिए हम 2-3 तरीके यूज कर सकते हैं. हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं कि रिमाइंडर बच रहा है या नहीं. अगर रिमाइंडर 0 है तो ये इसका फैक्टर होगा. हम इसको बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी सॉल्व कर सकते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं. हम इसको तीनों तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, फर्स्ट तरीका जो हम लेते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू. यहाँ पर दिया है x प्लस 3, फैक्टर है कि नहीं तो वो हम चेक करेंगे. x की वैल्यू आई है माइनस 3. अगर इस क्वेश्चन में हम माइनस 3 पुट कर दें और अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये इसका फैक्टर है. ठीक है, तो बाय पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू माइनस 3 आवर क्वेश्चन इज लाइक दिस. ठीक, माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 9 3 इज 27, हियर माइनस 33 एंड प्लस 6, 27 प्लस 6 मींस 33 एंड 33, सो रिमाइंडर इज 0. तो हमने x इक्वल टू माइनस 3 जब इस क्वेश्चन में पुट किया तो हमारा जो रिमाइंडर आया है दिस इज 0. तो हम कह सकते हैं कि वी हैव प्रूव्ड दैट x इक्वल्स टू माइनस 3 इज रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल. और इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. हम इसे रूट भी बोल सकते हैं, इसे जीरोस भी बोल सकते हैं, और अगर इसे फैक्टर के फॉर्म में लिखें तो हम इसे फैक्टर भी बोल सकते हैं. और पुट करने के बाद हमारा रिमाइंडर जो आया है 0 है, तो ये प्रूफ हो गया है कि दिस इज फैक्टर ऑफ दिस. ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से करते हैं, डिविजन मेथड से. ठीक, नॉर्मल डिवीजन जैसे किया जाता है वैसे ही हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन भी होगा. यहाँ पर टर्म है 3x square एंड डिवाइड देना है हमें x plus 3 से,
So what we will choose? We will choose 3 of x, right? 3x का जब इससे multiply होगा तो ये आएगा 3x square plus 3x का जब इससे multiply होगा तो आएगा 9x. We will change the sign. जैसा हम division करते हैं वैसा ही algebraic expression का division होता है. So 11x में से 9x minus होंगे तो which is 2x. यहाँ से हम 6 को copy करेंगे, ये copy हो गया है. हम डिवाइड दे रहे थे x plus 3 से और हमें लाना है 2 of x. तो हम यहाँ पर 2 से देंगे. 2 का जब इससे multiply होगा so answer will be 2x and 2 का जब 3 से multiply होगा तो answer will be 6. Sign change करेंगे, जो division rule होता है वैसा ही follow करेंगे and ये हमारे cancel out हो गए. Remainder जो आया है 0 आया है. तो फ्रेंड्स देखिए, डिफरेंस देखिए, ये हमने सॉल्व किया है डिवीजन मेथड से और ये हमने सॉल्व किया है बाय पुटिंग द वैल्यू मींस रिमाइंडर थ्योरम मेथड से और ये फैक्टर थ्योरम मेथड से. बट दोनों से रिमाइंडर जो आया है वो क्या आया है? 0. मींस दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन. x plus 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन. प्रूव कर दिया हमने. यस, एक और सिंपल तरीका होता है स्प्लिटिंग. 3x square plus 11x plus 6. ये हमारा क्वेश्चन है. By splitting the middle term, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बीच की टर्म को स्प्लिट करके. और बीच की टर्म को स्प्लिट करने के लिए मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी जो मैं फिर से बताना चाहूंगी. x, इसको दूसरी चौक से लिखती हूँ. x plus a, x plus b equals to x square plus a plus b of x plus a b. ठीक है, ये आइडेंटिटी जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए बहुत ही यूजफुल आइडेंटिटी है. इसके थ्रू हम ये बीच की जो टर्म्स हैं इनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. a plus b की प्लेस पे इस क्वेश्चन में क्या है? 11. एंड a into b के प्लेस पे हमें क्या लाना है? 6 3 18. 6 3 18. ठीक है, अब हम ऐसी टेबल सोचेंगे जो हमें मल्टीप्लाई ऐड करने पे 11 आ रही हो और मल्टीप्लाई करने पे 18. तो 9 and 2 9 2 18 एंड 9 plus 2 equals to 11. क्लियर है? हम 11 की प्लेस पर 9 एंड 2 यूज कर सकते हैं, 9 प्लस 2, एंड 18 की प्लेस पर हम 9 इंटू 2 यूज कर सकते हैं. सो हमारा जो क्वेश्चन था उसको अगर हम स्प्लिट फॉर्म में लिखना चाहें, इन प्लेस ऑफ 11 हम 9 प्लस 2 लिख सकते हैं. देखिए, यस, एंड इन प्लेस ऑफ 6 3 18 वी कैन राइट 9 इंटू 2. सो आवर मिडिल टर्म इज स्प्लिटेड नाउ. इसको हम ओपन करेंगे. टू टू की पेयरिंग करके हम कॉमन निकालेंगे. ठीक है, कॉमन निकालने के बाद हम होल में से कॉमन निकालेंगे एंड ये हमारा फैक्टराइज हो चुका है. हमने डिवीजन के थ्रू फैक्टराइज किया, हमने वैल्यू पुट करके फैक्टराइज किया और अब हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी फैक्टराइज किया. और फाइनली जो हमारा फैक्टर आया है वो हर केस में x प्लस 3 आया है. तो ये क्या प्रूफ करता है? कि x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में अगर कहा है प्रूफ करिए, सो आपको जो मेथड इजी लग रहा है उसके थ्रू आप प्रूफ कर सकते हैं. या उन्होंने मेंशन ही किया अगर कि इसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करिए या इसे डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड करिए या बाय पुटिंग वैल्यू करिए. तो इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, अदरवाइज यू कैन चूज एनी इजी ऑप्शंस. ठीक है, सो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने प्रूफ किया कि x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और वो हमने 3 तरीके से लिया. सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको
नोट डाउन कर लीजिए। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम टेकिंग 14th and 15th। क्वेश्चन नंबर 14th and 15th, ठीक है। 14th क्वेश्चन इज फाइंड द फैक्टर ऑफ 2x² - 6x + 4। ओके, यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि इसका रूट क्या है या इसका फैक्टर क्या है, हमें चेक करने के लिए कोई भी क्लू नहीं दिया है। हम खुद अपने मेथड चूज लगा के डिसाइड करेंगे कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको 3 तरीके सॉल्व करने के बताए थे, तो यहाँ पर भी हम जो तरीका चाहें वो यूज कर सकते हैं। सो आर क्वेश्चन इज 2x² - 6x + 4। इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के भी थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, या हम वैल्यूज पुट करके रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यूज हमें चूज करनी पड़ेंगी। वैल्यूज कैसे चूज करते हैं, हम 1 रख के देखेंगे, -1, -2, -2 एंड सो ऑन। ये तरीका बहुत ही बेसिक तरीका है, इसको चाहें तो हम फॉलो कर सकते हैं। फॉर योर कन्वीनियंस मैं एक पुट करके बताती हूँ। मैंने इस क्वेश्चन में 1 पुट करके देखा है। एक्स की जगह पर हम एनी इंटीजर पुट कर सकते हैं, डिपेंड करेगा जिससे रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो फैक्टर होगा, एल्स नहीं होगा। और देखिए, लकीली आपका इस क्वेश्चन में फैक्टर आ रहा है, 0 हो रहा है रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 है मींस एट x = 1 पॉलिनोमियल px इज बिकमिंग 0, मींस दिस इज रूट ऑफ दिस क्वेश्चन। दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं दिस इज जीरोज ऑफ दिस क्वेश्चन, या इसको अगर फैक्टर के फॉर्म में अरेंज करूं तो दिस इज फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो x - 1 जो है हमारा फैक्टर आ चुका है। अब हम इसी क्वेश्चन का दूसरा फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। दूसरा फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए इसे हम डिवाइड देंगे। एक ऑलरेडी फैक्टर हमारे पास आ चुका है विच इज x - 1। अगर हम इससे डिवाइड देंगे तो हमारा दूसरा फैक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। इसको डिवाइड देने के लिए हमें यहाँ 2x² लाना है, तो हमने यहाँ पर 2x से डिवाइड दिया है। दिस डिवीजन इज एज सिंपल एज नॉर्मल डिवीजन, एंड 2x का जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा माइनस, प्लस साइन चेंज करेंगे, 2x² कैंसिल हो गए, यहाँ पर आया -4x। 4 को हम कॉपी करेंगे, नॉर्मल डिवीजन प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। 4x लाना है तो हम यहाँ -4 से डिवाइड देंगे। -4 से जब डिवाइड देंगे तो ये आएगा, इसके हम साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे एंड रिमाइंडर इज 0। मीन्स अनदर फैक्टर इज 2x - 4। ये दो, इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स आर, ये जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर्स आर x - 1 and 2x - 4। ठीक है, मतलब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले वैल्यू चूज करी थ्रू रिमाइंडर थ्योरम। हम कोई भी वैल्यू माइनस की या प्लस की चूज कर सकते हैं, और वो इसमें हमने पुट करके देखी कि रिमाइंडर जो है वो 0 आया या नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 आया तो वो उसका फैक्टर होगा ही होगा, और वो फैक्टर है तो हमने दूसरा फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए सिंपल डिविजन को फॉलो किया। ठीक है, सो आवर क्वेश्चन वॉज फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस एंड द आंसर इज x - 1 and 2x - 4। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन कर लें। सो आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15 विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 3, राइट। क्वेश्चन 15 इज
अगेन फाइंड द फैक्टर. क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इज एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20. ठीक है, ये कैसा पॉलिनोमियल है हम ये भी इसमें देख सकते हैं. दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, है ना. अब यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है और फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो हम वही तरीका फॉलो करेंगे. हम इसमें वैल्यूज पुट कर करके देखेंगे किन वैल्यूज पे ये जीरो आता है. वैल्यू पुट करने के लिए हम बहुत ही सिंपल तरीका अपनाएंगे, लास्ट की टर्म देख लेंगे उसके मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं. 20 जो है किससे किससे डिविजिबल है, 21 से डिविजिबल है, 22 से डिविजिबल है, 24 से डिविजिबल है, 5 से. तो ऐसे हम वैल्यूज चूज कर लेंगे, 1 रख के देखेंगे, -1, 2, -2, 4, -4, जहाँ तक है वो एक दो वैल्यू में ही उसका फैक्टर निकल आएगा. ठीक है, तो मैं सबसे पहले पुट करके देख रही हूँ 1 रख के अगर मैं देखती हूँ तो ये कभी जीरो नहीं होगा. कॉमन सेंस है कि ये पूरा क्वेश्चन प्लस का है, तो प्लस का क्वेश्चन जो है वो कभी कैंसिल ही नहीं होगा. सॉरी, आई हैव पुटिंग 1 प्लस 20. हमने पूरे क्वेश्चन में 1 रख के देखा, बट ये कभी भी जीरो नहीं होगा क्योंकि सारे साइन जो है वो प्लस के हैं. सो ये तो पक्का है कि ये 1 फैक्टर नहीं होगा. हम -1 रख के देखेंगे. -1 अगर हम रखते हैं देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर. अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो रूट होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वह भी रूट नहीं होगा. ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे. -1 का क्यूब इज माइनस, दिस इज 13, दिस इज 32 एंड दिस इज 20. ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. 20 एंड 13 मिलके हुआ 33 एंड 32 एंड 1 मिलके भी हुआ 33. देखिए आपका रिमाइंडर जो है इस क्वेश्चन में क्या आ चुका है, 0 आ चुका है. मीन्स बाय पुटिंग -1 द रिमाइंडर इज 0. तो -1 क्या हुआ इस क्वेश्चन का, रूट हुआ. -1 इस क्वेश्चन का 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हुआ. एंड फैक्टर क्या हुआ, x+1 हुआ. क्यों, x इक्वल टू क्या रखा हमने, -1. तो फैक्टर जो है वो क्या बन गया, x+1. अब ये एक फैक्टर आ चुका है, x+1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, x+1 इज फैक्टर. अब हम देखेंगे बाकी के फैक्टर फाइंड अगर करने को कहते हैं तो वो कैसे निकालेंगे. वही सिंपल डिवीजन मेथड को फॉलो करेंगे. 13x² प्लस 32x प्लस 20. एक फैक्टर आ चुका है, दूसरा फैक्टर फॉलो करने के लिए इस फैक्टर से हम क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे. डिवाइड वैसा ही सिंपल होगा जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है. यहाँ पर हमें x³ लाना है एंड यहाँ पर हमारा x है, तो वी विल टेक x² एज ए नंबर. ठीक है, तो यहाँ पर आएगा x³ प्लस x² एज पर डिवाइड रूल हम साइन चेंज करेंगे. दिस इज 12x² नंबर कॉपी करेंगे 32x. यहाँ पर x है और अब हमें लाना है 12x² 12x² लाने के लिए हम यहाँ पर 12x से डिवाइड करेंगे. ठीक है, 12x से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 ऑफ x. अगेन साइन चेंज करेंगे, एक कैंसिल आउट हो जाएंगे. यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा 20x. 20x जब मिलेगा हम इस 20 को कॉपी करेंगे. ठीक है, क्लियर है आपको, यस. अब हमें डिवाइड में लाना है 20x और हमारे पास है x, तो हम क्या चूज करेंगे, प्लस 20, राइट, प्लस 20. तो हमारे पास आएगा 20x प्लस 20, देन कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास रिमाइंडर जो आएगा 0.
फ्रेंड्स, अब हमारे पास दो फैक्टर आ चुके हैं। एक फैक्टर ऑलरेडी हमने निकाल लिया था विच इज एक्स प्लस वन, एंड अनदर फैक्टर इज एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ये आगे और स्प्लिट होगा और हमको फैक्टर्स देगा। और आपको मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बता चुकी हूँ, तो यू कैन यूज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऑल्सो, राइट। सो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करके थर्ड फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। हमारा फैक्टर जो आया है विच इज 20, अगेन इसको एक नाम दे देते हैं, पी एक्स नहीं, इसे एफ एक्स दे देते हैं। ऑलरेडी वी यूज पी एक्स, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग एफ एक्स। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहती है ए प्लस बी, हमें यहाँ 12 लाना है, एंड ए इंटू बी की प्लेस पे हमें 20 लाना, राइट। सो नंबर चूज करेंगे हम 10 टू जा 20, राइट, एंड 10 टू एड होके 12 बनते हैं, यस। सो आवर मिडिल टर्म इज स्प्लिटेड। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इन प्लेस ऑफ 12 एस आई कैन राइट 10x प्लस 2x, यस। सो आवर मिडिल टर्म इज स्प्लिटेड नाउ इनटू टू टर्म्स। सिंपल प्रोसीजर, हम कॉमन लेंगे प्लस 2x प्लस 10। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, जब हम कॉमन लेंगे तो फैक्टर जो है वो हमारा सेम आना चाहिए। ये पहचान होगी क्वेश्चन की कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पर फैक्टर डिफरेंट आ गए मीन्स वी आर डूइंग रॉन्ग। तो यहीं पर हमारा चेक हो जाएगा कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं या हम नहीं चल रहे हैं। सो हमारा ये क्वेश्चन जो है स्प्लिट होके x प्लस 2 एंड x प्लस 10 में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ फिर से हम हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था हमारा x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 32x प्लस 20। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आया x प्लस 1, एंड सेकेंड फैक्टर जो आया था अगेन एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में आया था, हमने उसको स्प्लिट कर दिया। सो आवर फाइनल आंसर इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स आर फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स आर एक्स प्लस वन, ये हमारा आंसर होगा, राइट। एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस टेन। व्हाट इट शोज, ये तीन फैक्टर्स की जो वैल्यू है वो अगर हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर है रिमाइंडर नहीं आएगा, पॉलिनोमियल का आंसर जीरो हो जाएगा। तो फैक्टर्स जो है वो फाइंड करने के लिए हमने क्या तरीका फॉलो किया, हमने ये तरीका फॉलो किया। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड, राइट। सो नाउ आई एम कंक्लूडिंग द चैप्टर